अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी क्रीमी चिकन पाई तैयार कर रहे हैं। चलिए अब उसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून भर के मैदा डालेंगे। इसको हम अब अच्छे से भूनते हैं जब तक अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो देखिए हमारे इसे बड़ा अच्छा सा भून के इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक डालेंगे। देखिए हमारी क्रीमी मिक्सर तैयार है। ये देखें बस हमें इस तरह, ये देखिए इस तरह की हो जो हमें चाहिए। अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं और इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम अपने एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। उसके अंदर हम 1 अपना मीडियम साइज़ का जो है प्याज चॉप करके डालेंगे। हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई मिर्च और इसमें 1/2 टीस्पून हम डालेंगे नमक। हम थोड़ा भून लेंगे। अब ये 1/2 किलो चिकन लेके उसको मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के थोड़ा सा, उसको फिर मैंने श्रेड कर लिया। अब इसको मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। चिकन थोड़ा सा हमने इसके अंदर कुक कर दिया। अब हम जो है 2 शिमला मिर्च लेके इसको मैंने इस तरह काट लिया, वो हम इसमें मिक्स करेंगे। ये हमारा हो गया था तैयार। अब इसके अंदर ये जो हमने मिक्सर बनाया था ये डाल देंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप नमक और मिर्च चेक कर लें, अगर आपको कम लग गई तो आप इसमें थोड़ी सी और ऐड कर लें। ये देखिए हमारा तैयार हो गया। अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं और इसको हम ठंडा करते हैं। ठंडा होकर भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इसके लिए हम डो दें। इसमें मैंने 3 कप मैदा लिया है। इसमें 1 टीस्पून मैं डालूँगी नमक। 1 टीस्पून हमारा नमक चला गया अंदर। अब 3 टेबलस्पून इसके अंदर बटर जाएगा। ये पहले इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर को हाथ से अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमें इस तरह अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर दूध के साथ हम इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसके एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये देखिए हमारी इस तरह की सॉफ्ट सी डो तैयार है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो गए हमारी डो को रेस्ट पे। ये देखिए कितनी अच्छी और सॉफ्ट बनी है। इसको हम अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। इसके हम 2 पीस कर लेते हैं। इसे 1 पीस को हम इस तरह पेड़ा बना लेंगे। पहले
फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इस तरह करना शुरू करें। ठीक है, अब हमने इस तरह कर लिया, अब हम इसके इस तरह पीसेस काट लेंगे। ये देखिए इसको एक लेके अब हम इस तरह इसके पेड़े बना लेंगे। इसी तरह हम सारे के पेड़े बना लेते हैं। एक पेड़ा बना दिए, इसी तरह हम अपने बाकी पेड़े भी बनाते हैं। ये देखिए हमने सारे पेड़े बना लिए, अब इनमें से एक पेड़ा लेके हम इसको जो है वो बेलते हैं। ये देखें इस तरह हमने अभी रोटी बेल ली है। अब हमने जो मटेरियल तैयार किया था उसको हम इसके अंदर फिल करेंगे। इसको हमने फिल किया, फिर इसको हमने पकड़ के यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर दिया ऐसे। अब हमने इसकी इस तरह जो है कट्स लगा देने, एंड तक नहीं लगाना। इस तरह हम कट लगाएंगे, फिर इसको हम इस तरह पकड़ेंगे और ये देखें इसको यहाँ पे ज़रा सा टाइट करके हमने यहाँ पे चिपका देना है और इसको हम ये कर देंगे। ये देखें इसी तरह हम अपने बाकी दूसरे भी तैयार करते हैं। ये देखें इस तरह हमने अपने सारे तैयार कर लिए। इनमें से कुछ को मैं फ्राई करूंगी और बाकी को हम बेक करेंगे। ये देखें इनको हम फ्राई कर रहे हैं और बाकियों को हम जो है बेक करते हैं। देखें इस तरह हम इनको टर्न करते हैं। ये देखें तैयार हो गया, हम इनको निकालते हैं। हाफ हमने फ्राई कर लिए और जो हाफ है उनको अब हम बेक करेंगे। ये मैंने बेकिंग ट्रे में लगा दिए। अब इसके ऊपर हम जो है ये अंडा बीट के हवा लगाएंगे। इनके ऊपर 160 पे मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए लगा दिए। अब इसके ऊपर अच्छे से हम सब पे अंडा लगाएंगे। ये हमने ऊपर अंडा लगा लिया, अब हम इसको बेक होने के लिए लगाते हैं। ये कि हमारे बेक हो गया, अब इसके ऊपर हम गरम गरम के ऊपर ही बटर लगाते हैं। हमारे मज़ेदार से क्रीमी चिकन पाई तैयार हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।